हम जो बात करने जा रहे हैं वो है वर्क। देखिए एनर्जी के बहुत अलग अलग टाइप हैं, हीट, इंटरनल एनर्जी, वर्क, ये न्यूक्लियर एनर्जी, दुनिया भर की एनर्जी है। लेकिन अभी मैं सिर्फ कुछ ही की बात करना चाहूँगा। छोटे छोटे बच्चे हैं हम, और उसमें हमारे लिए इम्पोर्टेंट है वो है एनर्जी वर्क। तो आपका मेन टॉपिक डालेगा वर्क। वर्क अगर मुझे कहा जाए तो मैं वर्क को दो तरह से डिवाइड करूंगा, एक नॉन एक्सपांशन और एक एक्सपांशन। मैंने एक बैटरी खरीदी और मैंने उससे मोटर चला रहा हूं, मोटर घूम रही है, बड़े प्यार से घूम रही है, वर्क हो भी रहा है और एक्सपांशन कुछ हुआ नहीं। समझ में आ रहा है? तो ये जो वर्क होगा ये किस तरह का होगा? नॉन एक्सपांशन। तो कोई भी एक एग्जांपल बताओ जो नॉन एक्सपांशन का है। इलेक्ट्रिक वर्क, मोटर ने काम किया, ठीक है, बहुत सारे वर्क हो सकते हैं। तो नॉन एक्सपांशन में एक्सपांशन नहीं होता, कितनी अच्छी बात कर रहा हूं, फिर भी वर्क होता है। तो इसका एग्जाम्पल है इलेक्ट्रिक वर्क। लेकिन अगर हम ऐसा कोई प्रोसेस लें जहां इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम ही नहीं हो रही है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है, तो वहां ये वर्क एग्जाम्पल में नहीं आएगा। वहां क्या आएगा? एक्सपांशन वर्क आएगा। हम एक्सपांशन वर्क की बात करते हैं, यहां तो वर्क होगा, और यहां जो वर्क होगा वो वर्क क्या हो जाएगा? फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, ये होता है हमारे लिए एक्सपांशन वर्क। तो आपके लिए अभी शुरुआत में अगर एक्सपांशन नहीं हो रहा तो आप क्या बोलोगे? वर्क भी नहीं हो रहा। क्यों? क्योंकि आप ऐसा कोई वर्क का नाम ही नहीं सुनेंगे अभी चैप्टर जब तक चल रहा है, ठीक है। तो वो सारे प्रोसेस जिसमें एक्सपांशन नहीं हो रहा है, वर्क डन, क्या बोलोगे आप? जीरो। फिर एक और लिमिट लगा दी, एक आपने गैस ले लिया, वो गैस भी कौन सा? आइडियल गैस, वर्क इन आइडियल गैस। और एक हो गया आपके लिए लिक्विड या सॉलिड या कोई रियल गैस, इनमें वर्क अलग होता है। हमारे सिलेबस में शुरुआत में हम ये पढ़ेंगे, फिर मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन कराते हुए इन सबको लेके आऊंगा। तो हेडिंग क्या रहेगा? वर्क इन आइडियल गैस पूरा, और वो भी कौन सा? वर्क एक्सपांशन आइडियल गैस, ये आपको करना है। तो आपको कौन सा टॉपिक पढ़ा रहा हूं मैं? वर्क, उसमें भी एक्सपांशन, उसमें भी आइडियल गैस, और उसको भी मैं लेके जाऊंगा सिलेंडर के अंदर, सिलेंडर टाइप सिस्टम। मतलब मैं आपको वर्क की बहुत छोटी सी चीज बता रहा हूं, ठीक है। तो हमारे लिए ये हमारे पास सिलेंडर हो गया, ये हमारे पास हीलियम गैस है, समझ में आ रही है बात? हमसे कहा जा रहा है वर्क क्या होगा, तो हमने बचपन से ही पढ़ा था वर्क इज इक्वल टू फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट, सही है? तो ये हमारे लिए वर्क फोर्स मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट हो गया, इजी था। अब हो ये रहा था कि डिस्प्लेसमेंट नीचे होता है या ऊपर होता है, उसकी डायरेक्शन हम क्या लें, ये इंपॉर्टेंट था। फिजिक्स वालों ने डायरेक्शन अलग अलग को अलग अलग ले लिया, ठीक है। चलो मैं अभी डायरेक्शन पे नहीं आता, फिर दोनों को क्लासिफिकेशन कर देंगे हम। फोर्स क्या होगा? प्रेशर डिवाइडेड बाय, फोर्स क्या होता है? मेरे लिए प्रेशर मल्टीप्लाई बाय एरिया हो जाएगा, और डिस्प्लेसमेंट यहां हो गया। तो एरिया मल्टीप्लाई बाय डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा हमारे लिए? वॉल्यूम।
एरिया को मैंने ए से मल्टीप्लाई करा और डिस्प्लेसमेंट को मैंने डी एक्स से मल्टीप्लाई किया। भाई डिस्प्लेसमेंट एक लिमिट में कर रहा हूँ डी एक्स, तो क्या हो जाएगा मेरे लिए, पी और ए को अंदर ले गया तो एक्स मल्टीप्लाई बाय ए मिलके क्या हो जाएगा, पी डी वी मेरे लिए फोर्स। समझ में आ रहा है, ये हमारे पास हो गया। फिजिक्स वाले बड़े इजी चल रहे थे, उन्होंने कह दिया ये है बस खत्म, पी डी वी। अब केमिस्ट्री वाले थोड़ा अलग सोचते हैं, थोड़ा सा भाई वो एकदम से क्वेश्चन करते हैं, अरे भाई देखो ध्यान से यहाँ डायरेक्शन ऊपर ले रहे हैं या नीचे ले रहे हैं ये तो बताया ही नहीं आपने, तब तो वो डायरेक्शन का गेम क्या होगा उस पे वर्क करते हैं। तो ठीक है पी डी वी ये तो समझ में आ गया वर्क है। अब ये प्लस भी हो सकता है माइनस भी हो सकता है, इसको हम समझने की कोशिश करेंगे। लेकिन वर्डन का फॉर्मूला ये पी डी वी कब होगा, जब एक्सपांशन वर्क होगा, आइडियल गैस होगी, सिलेंडर टाइप सिस्टम होगा। मतलब आप सोचो आप 0.001% पढ़ रहे हैं, बिल्कुल कंप्रेशन के लिए और एक्सपांशन के लिए सिर्फ डीएक्स की वैल्यू चेंज हो जाएगी। चलिए ठीक है आगे, मेरे लिए यहां पर दो काम थे। पहला डेल्टा वी तो मेरे को बहुत अच्छे से समझ में आ रहा था, भाई इसके लिए जो वॉल्यूम चेंज है वो लेना है, उसका साइन क्या होगा वो लेना है। लेकिन प्रेशर में मेरे को कंफ्यूजन था, क्यों, कि प्रेशर यहां पर अगर ये वर्क कर रहा है, मूवमेंट कर रहा है, इंटरनल प्रेशर और आउटर प्रेशर दोनों अलग अलग होंगे तभी मूवमेंट होगा। तो यानी हमें प्रेशर कौन सा लेना है, इंटरनल लेना है या एक्सटर्नल लेना है, एक ये पॉइंट बन गया। समझ में आ रहा, मैं बताऊंगा तुम्हें नहीं बोलना है, ठीक है ना, मुझे पढ़ाना है ना, फीस मेरे को मिल रही है ना, ठीक है, तो मेरे को बताना है कि प्रेशर कौन सा लेना है और साइन कौन सा लेना है। तो सबसे पहले हम क्या बताएंगे, प्रेशर कौन सा लेना है, तो हेडिंग डाल लीजिएगा प्रेशर। तो प्रेशर कौन सा लेना है, ये बात तो है कि प्रेशर हमेशा ये बात पे रहेगा जिसके अगेंस्ट में वर्क हुआ है वो वाला प्रेशर लेना है। तो प्रेशर का वो वैल्यू वो होगा प्रेशर फॉर विच वर्क डू या अगेंस्ट वर्क डू वर्क डू। समझना मैं बहुत पहलवान हूं, सामने एक छोटा सा बच्चा आया मार दिया मैंने, दो बच्चे आए दोनों को मार दिया, ठीक है ना, समझना पक्का। तो प्रेशर किसके अगेंस्ट में करना पड़ रहा है, मेरी पहलवानी से कोई मतलब नहीं है, मैं तो उतना ही हूं, मैं बहुत हाई प्रेशर हूं, वो जो छोटे छोटे प्रेशर है ना उनके अगेंस्ट में वर्क कर रहा है, तो हमेशा उसके लिए लिया जाता है जो छोटा है, ज्यादा से कोई मतलब नहीं है, ज्यादा बहुत ज्यादा बढ़ा दोगे तो भी कोई फर्क नहीं है, कम वाला बढ़ाओगे वर्डन बढ़ेगा। तो इसका मतलब हमेशा हमें कौन सा सेलेक्ट करना पड़ता है, तो सेलेक्ट प्रेशर विच विच इज स्मॉल इन अमाउंट, स्मॉल इन अमाउंट जो कम है वो लिया जाएगा, ज्यादा वाले को कभी नहीं लिया जाएगा। फॉर एग्जाम्पल तीन केस ले रहा हूं मैं, ये ऊपर जा रहा है एक्सपांशन, ये नीचे जा रहा है कंप्रेशन, कंप्रेशन तीसरा केस ये ऊपर जा रहा है और बहुत तेजी से जा रहा है तो भी एक्सपांशन ही होगा।
मान लीजिए यहाँ वर्डन क्या होगा, भले ही फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो वो बात अलग है, इसलिए प्लस माइनस मैंने छोड़ रखा है। पी कौन सा रहेगा, पी डी वी, इंटरनल या एक्सटर्नल? ऊपर जा रहा है यानी ऊपर का प्रेशर कम है, तो एक्सपांशन में हमेशा क्या होगा, इनसाइड या आउटसाइड? आउटसाइड। इंटरनल या एक्सटर्नल? एक्सटर्नल, तो यहाँ हमेशा एक्सटर्नल आएगा, एटमोस्फेरिक प्रेशर। कंप्रेशन हो रहा है, कौन सा ज्यादा होगा, ऊपर वाला? कम कौन सा होगा, अंदर वाला? प्लस माइनस बाद में सोचेंगे, वर्ड कौन सा आएगा, इंटरनल। यहां पर एक्सपांशन हो रहा है, ये तो साइन दिख ही रहा है, लेकिन हम कर रहे हैं ये चंद्रमा पे ले जाके, मून पर। पी एक्सटर्नल कितना हो जाएगा, जोर से बोलो, जीरो। तो कौन सा लोगे, इंटरनल या एक्सटर्नल? एक्सटर्नल। इंटरनल नहीं लोगे क्योंकि एक्सपांशन हो रहा है, अंदर कुछ ना कुछ प्रेशर होगा, तभी तो एक्सपांशन हो रहा है। अगर दोनों तरफ जीरो होगा तो ये मूव करेगा है क्या? नहीं करेगा, कोई मतलब ही नहीं है, लॉक्ड है। तो इस कंडीशन में प्लस माइनस बाद की बात है, एक्सटर्नल आएगा, डीवी आ जाएगा क्योंकि ये जीरो है, तो जीरो मल्टीप्लाई बाय डीवी कितना हो जाएगा, जीरो। तो जब भी ऐसा कुछ होता है तो उसको हम बोलते हैं फ्री एक्सपांशन। क्या बोलेंगे, फ्री एक्सपांशन। एक्सपांशन तो है लेकिन इसका नाम और हो जाएगा, और वो हो जाएगा फ्री एक्सपांशन। तो बताइए फ्री एक्सपांशन में वर्डन क्या है, जीरो है। क्यों जीरो है, पी जीरो है। कौन सा पी जीरो है, बाहर वाला, कम वाली वैल्यू जीरो है। पी कभी नेगेटिव हो सकता है क्या, नहीं। तो इसका मतलब जो वर्डन की मिनिमम वैल्यू हो रही है यहां पर वो कुछ इस तरह से हो रही है। मैग्नीट्यूड वाइज बात करें तो जीरो सबसे कम वैल्यू होगी, समझ में आ रही है बात। अब बात आती है साइन वाइज, हम बात करें मैग्नीट्यूड ना करके साइन वाइज बात करें। फिजिक्स और केमिस्ट्री में यहां पर लड़ाई है, वैसे बहुत जगह लड़ते हैं हम फिजिक्स और केमिस्ट्री वाले, मैं दोनों को समझाने की कोशिश करता हूँ, सही है। तो पहले तो ये चीज समझ में आ गई, हम दोनों में कुछ तो सिमिलरिटी है। क्या सिमिलरिटी है फिजिक्स और केमिस्ट्री में, एक हम डीवी की वैल्यू सेम सोचते हैं अमाउंट वाइज, दूसरा हम एक्सटर्नल इंटरनल सेम रखते हैं, ये नहीं कि मैं एक्सटर्नल लग रहा हूँ वो इंटरनल लगेंगे, मैं जिसको एक्सपांशन बोल रहा हूँ वो भी उसको एक्सपांशन बोल रहे हैं, जिसको मैं कंप्रेशन बोल रहा हूँ उसको वो कंप्रेशन बोल रहे हैं बस। और मैग्नीट्यूड वाइज भी वर्क हमारे सेम है, बस डीवी की वैल्यू जो मेरे लिए पॉजिटिव है उनके लिए नेगेटिव, और जो उनके लिए नेगेटिव वो मेरे पॉजिटिव होती है, इतना सा फर्क है, बाकी और कोई फर्क नहीं है, समझ में आया। तो यहां तक तो आप लिख चुके होगे, तो आपने क्या पढ़ा, सबसे पहले वर्क दो तरह के होते हैं, एक्सपांशन नॉन एक्सपांशन। नॉन एक्सपांशन में रोटेशन, इलेक्ट्रिक मोटर वगैरह बहुत सारे आ गए, एक्सपांशन में हमारे अलग अलग तरह के वर्क आ सकते हैं, लेकिन उसमें भी मैंने ले लिया सिलेंडर टाइप एक्सपांशन। और गैस भी मैंने कौन सी भर दी, कौन सी भर दी, आइडियल, जिसे वो पीवी इक्वल टू एनआरटी को फॉलो करे। रियल भरता तो भी कोई फर्क पड़ता क्या, वो तो फॉर्मूला तो वही बनता, या पानी भी भरता तो भी वही रहता, तो कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आ रही है बात। अब बात आती है अगला पॉइंट, लड़ाई को खत्म करते हैं फिजिक्स और केमिस्ट्री की, और समझते हैं कि क्या हमें अलग अलग है। तो हेडिंग डलेगा साइन ऑफ वर्क, बहुत इजी है साइन ऑफ वर्क। फिजिक्स और केमिस्ट्री हम कैसे देखते हैं, इजी है, पहले फिजिक्स, क्योंकि पहले फिजिक्स ही बनी है, पहला केमिस्ट्री का टीचर है जो बोल रहा है फिजिक्स पहले बनी है, फिर केमिस्ट्री आई, जो बाद में आती है वो अच्छी सही होती है थ्योरी, हमेशा बोलते हैं ना, तो केमिस्ट्री हमेशा सही है, मजाक कर रहा हूँ, दोनों सही है। फिजिक्स और केमिस्ट्री, केमिस्ट फिजिक्स वाले बोलते हैं वर्ड ऑन जो भी हो, पी कोई भी हो, लेकिन इसको वो प्लस लेते हैं, ठीक है, ले लिया आप जो ले लिया, उनने फॉर्मूला पी डी वी लिख दिया। केमिस्ट्री वाले हमेशा माइनस पी डी वी लिखेंगे, कोई भी एक्सपांशन सिलेंडिकल प्रोसेस है, प्लस पी डी वी माइनस पी डी वी किसके लिए लगेगा, हर इस प्रोसेस के लिए लगेगा, प्रोसेस कोई सा भी हो। अब उनने कहा डीवी,
ठीक है, डेल्टा वी को डीवी कब लिख सकते हैं? जब छोटे छोटे एक्सपांशन हो। समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत नहीं है यहां तो? उन्होंने कहा हमारे लिए प्रोसेस एक्सपांशन है और कंप्रेशन है। केमिस्ट्री वालों ने भी कहा प्रोसेस एक्सपांशन है या कंप्रेशन, ये दो ही प्रोसेस होते हैं, कंप्रेशन या एक्सपांशन, और क्या होगा? कंप्रेशन में फिर तीन तरह के हो जाते हैं, एडियाबेटिक, आइसोथर्म, जो भी है वो हो सकते हैं, लेकिन एक्सपांशन कंप्रेशन होते हैं। एक्सपांशन में डेल्टा वी क्या होता है जल्दी से बोलो? नेगेटिव। और कंप्रेशन में डेल्टा वी क्या होता है? पॉजिटिव। एक्सपांशन में डेल्टा वी क्या होता है? नेगेटिव। डेल्टा वी पॉजिटिव, हाँ या ना? यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आप मुझे बताओ जब डेल्टा वी नेगेटिव है तो उनके लिए वर्क डन भी क्या होगा? नेगेटिव एक्सपांशन। गलत हो रहा है? हाँ, एक्सपांशन हो रहा है, वॉल्यूम बढ़ेगा, पॉजिटिव। कंप्रेशन है नेगेटिव, एक्सपांशन है वॉल्यूम, ठीक है? एक्सपांशन है वॉल्यूम बढ़ेगा, कंप्रेशन है कम होगा, तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा उन एक्सपांशन में? पॉजिटिव। तो वर्डन भी क्या होगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव, नेगेटिव मल्टीप्लाई बाय पॉजिटिव, वर्डन क्या होगा? नेगेटिव। पॉजिटिव मल्टीप्लाई बाय यहां लगेगा केमिस्ट्री नेगेटिव, तो वर्डन क्या होगा? नेगेटिव। और वर्डन यहां पर क्या होगा? नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव। तो मैं आपसे एक बहुत छोटी सी चीज पूछ रहा हूं, बहुत बड़ी नहीं, बहुत छोटी वैल्यू, कि ये वाला फॉर्मूला, केमिस्ट्री की बात करता हूं क्योंकि केमिस्ट्री का, ये माइनस पीडीवी किसके लिए लगेगा? कंप्रेशन के लिए या एक्सपांशन के लिए या दोनों के लिए? दोनों के लिए। केमिस्ट्री वाले ये नहीं कि एक्सपांशन के लिए माइनस पीडीवी, कंप्रेशन के लिए प्लस पीडीवी, फॉर्मूला माइनस पीडीवी होगा। अगर प्रोसेस एक्सपांशन है तो वर्डन अपने आप नेगेटिव हो जाएगा, और कंप्रेशन है तो अपने आप नेगेटिव पॉजिटिव करके पॉजिटिव हो जाएगा। फॉर्मूले में चेंज नहीं करना है कि आप सर कंप्रेशन में तो वर्डन पॉजिटिव होता है इसलिए हमने पॉजिटिव लगा दिया, बेवकूफ होता हूं। कंप्रेशन में डेल्टा भी नेगेटिव है तो नेगेटिव नेगेटिव करके क्या हो जाएगा? पॉजिटिव हो जाएगा। समझ में आ रहा है? तो वो फॉर्मूला अपने आप पॉजिटिव ला देगा। आपको फॉर्मूले के साथ छेड़छाड़ नहीं करनी होती है, वैसे तो छेड़छाड़ किसी के साथ मत करो, कॉन्सेप्ट को समझो, ठीक है? आ गया समझ में? तो अब जो भी हमने पढ़ा है उससे रिलेटेड ट्रू और फॉल्स के ऊपर कमेंट करना है। करना शुरू करें वन बाय वन, जो भी हमने पढ़ा है, ट्रू एंड फॉल्स, बहुत फायदा करता है। इन केमिस्ट्री, मैं तो आप दोनों को एक साथ लेके चलूंगा यहां से लेके लास्ट तक। इन केमिस्ट्री वर्क डन ऑन सिस्टम इज पॉजिटिव, वर्क डन ऑन सिस्टम इज पॉजिटिव, ट्रू और फॉल्स? ट्रू। प्रूव करते हैं। वर्क डन ऑन सिस्टम यानी डेल्टा वी क्या हो जाएगा? नेगेटिव, वॉल्यूम कम होगा, सिस्टम पे वर्क करोगे, और डब्ल्यू क्या होता है? माइनस पी डेल्टा वी, सही है? तो ये नेगेटिव है तो डब्ल्यू क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। ये पॉजिटिव है तो डब्ल्यू क्या होगा? नेगेटिव। सेकेंड, इन केमिस्ट्री वर्क डन बाय सिस्टम इज नेगेटिव, अगेन ट्रू, सही है? थर्ड, इन केमिस्ट्री डेल्टा वी एंड डब्ल्यू आर इन अपोजिट साइन, ट्रू,
लिखते जाओ साथ के साथ। फोर्थ, इन फिजिक्स डेल्टा वी एंड डब्ल्यू आर अपोजिट में ही आ गया था इन केमिस्ट्री, डेल्टा वी एंड डब्ल्यू आर अपोजिट साइन, आर इन अपोजिट साइन। इन फिजिक्स डेल्टा वी एंड डब्ल्यू आर इन सेम साइन, ट्रू। समझ में आ रहा है? फिफ्थ, इन केमिस्ट्री क्लॉक वाइज साइक्लिक प्रोसेस, साइक्लिक प्रोसेस इन पीवी कर्व गेटिंग नेगेटिव वर्क या हैविंग जो भी हैव नेगेटिव वर्क। मालूम नहीं है, चेक कर लें। पीवी बनाओ आप, ये आपने बना दिया और आपने क्या बनाया क्लॉकवाइज, ये क्लॉकवाइज साइन ऐसे हो जाएगा, क्लॉक ऐसे ही चलती है, सही है? बोलो यस और नो, पक्का? यहां वर्क और यहां वर्क तो जीरो है क्योंकि डेल्टा वी जीरो है। यहां जो वर्क है और यहां जो वर्क है, पीडी भी लगेगा, डेल्टा वी सेम है दोनों में, पी किसके लिए ज्यादा है? ऊपर वाले के लिए। ऊपर वाले का पी ज्यादा है तो वो डिसाइडिंग फैक्टर होगा, तो हैव हाई वैल्यू ऑफ पी, सो डोमिनेटिंग फैक्टर इज, सो इट इज ए डोमिनेटिंग फैक्टर फैक्टर। और डोमिनेटिंग फैक्टर अगर ये है तो यही डिसाइड करेगा कि नेटवर्क पॉजिटिव होगा या नेगेटिव। तो ये यहां पर डेल्टा वी क्या है, डेल्टा वी इसके लिए पॉजिटिव, तो वर्क क्या होगा नेगेटिव। मान लीजिए यहां पर माइनस 100 काम हुआ, माइनस 100 जूल का, यहां प्लस 20 का होगा, 30 का होगा, 40 का होगा, लेकिन डोमिनेट ये होगा तो नेट वर्क क्या होगा माइनस। तो यानी कि इन केमिस्ट्री वर्क क्लॉकवाइज साइकिल प्रोसेस इन पीवी कर्व इज नेगेटिव, सही है? सही है, बिल्कुल सही है, ट्रू। पक्का लॉक कर दे, फिजिक्स में उल्टा हो जाएगा, बोलने की जरूरत ही नहीं है, जो हमारे लिए क्लॉकवाइज होगा। सिक्स, इन केमिस्ट्री क्लॉकवाइज साइक्लिक प्रोसेस इन वीपी कर्व, आज तक हमने पीवी पढ़ा है, अब हम क्या पढ़ रहे हैं वीपी कर्व, इज हैव या हैव सॉरी हैव नेगेटिव वर्क, सॉरी पॉजिटिव वर्क, तो आंसर क्या होगा ट्रू, क्योंकि मैं शुरू से ट्रू ही दे रहा हूं। अंतर क्या करा, वहां पीवी था, मैंने वीपी कर दिया, तो कुछ तो फर्क पड़ेगा, तो वहां माइनस थे तो यहां प्लस हो जाएगा, वहां प्लस होता है यहां माइनस हो जाता, लेकिन प्रूव भी तो करना है हमें, कर लेते हैं। वीपी क्लॉकवाइज साइकिल में चलो, ए बी सी डी, ए बी में और सी डी को तो भूल जाओ, क्यों?
क्योंकि डेल्टा वी क्या है, क्या है डेल्टा वी, जीरो। तो जीरो और डेल्टा वी, तब वर्क डन क्या होगा, जोर से बोलो, जीरो, जीरो है, जीरो है, समझ में आ रहा है ना। तो यहां तो होगा नहीं। अब बताओ यहां डेल्टा, इस जगह डेल्टा, इस जगह ये ए बी को तो भूल जाओ, ये भी भूल जाओ, क्योंकि डेल्टा वी जीरो है, वॉल्यूम ना बढ़ रहा है ना कम हो रहा है। बी सी में वॉल्यूम और डी ए में वॉल्यूम चेंज हो रहा है, प्रेशर कौन डोमिनेट करेगा, किसके लिए प्रेशर ज्यादा है, सी बी में या डी ए में, बी सी में, लॉक कर दें, डोमिनेटिंग, डोमिनेटिंग फैक्टर। अब मुझे ये बताइए कंप्रेशन हो रहा है या एक्सपांशन, डेल्टा वी क्या है अपने आप में, यहां पर नेगेटिव, कंप्रेशन, डेल्टा वी नेगेटिव, कम हो रहा है, देखो बी से सी में जा रहे हो, वॉल्यूम कम हो रहा है, और डेल्टा वी नेगेटिव, वर्डन पॉजिटिव। तो इसका मतलब वीपी के अंदर क्लॉकवाइज साइकिल पॉजिटिव वर्क होती है, तो पकड़ के चलना है वहां पर, तो उसने उठा दिया अपने पीवी, और यहां वीपी लिख दिया, आपको समझ में नहीं आ रहा क्या अंतर है, पीवी साइकिल और वीपी साइकिल अलग है, पी में यहां आता है पहले, और ये वीपी है, छोटी सी पॉइंट्स हमारे लिए आंसर गलत कर देती है, समझ में आ रहा है। और एग्जामिनर हमारी इस मासूमियत का फायदा उठा लेते हैं, मैंने 6 ट्रू फॉल्स लिखा है, बहुत अच्छे हैं, आप सबको लिखो। फिर एक बार बात करते हैं वर्डन इन डिफरेंट डिफरेंट प्रोसेस, तो वर्डन इन आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस में क्या है, पी वी के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, यस और नो, इसको साथ के साथ लिखिए, पी प्रोपोर्शनल 1/V। तो डीवी हमारे पास क्या हो रहा है यहाँ पर, डीवी पी डीवी माइनस, केमिस्ट्री इसलिए माइनस चलेगा, डब्ल्यू इंटीग्रेशन किया, माइनस पी डी वी, यानी हमारे लिए हमेशा वर्डन का फॉर्मूला माइनस पी डी वी इंटीग्रेशन में रहेगा, ठीक है। लिमिट लगाई V1 से V2, nRT V बाय V कर दिया हमने P की जगह, क्योंकि हमने जो गैस ले रखी है वह आइडियल है, dV। और फिर उसके बाद इंटीग्रेशन में हमें nRT कॉमन कॉन्स्टेंट ले सकते हैं, क्योंकि टेम्परेचर कॉन्स्टेंट है, आइसोथर्मल है ना, टेम्परेचर क्या है कॉन्स्टेंट है, तो टेम्परेचर बाहर ले लिया, nRT, n कॉन्स्टेंट है, r कॉन्स्टेंट है, t कॉन्स्टेंट है, तो 1/V का इंटीग्रेशन क्या होगा, lnV, V1 V2, ln को log में चेंज कर दिया, तो 2.303 माइनस एन आर टी 2.303 लॉग V2/V1, ये हो गया हमारे लिए आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए वर्डन, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहां पर जो हमारे पास V2/V1 है, क्या हम इसको और अच्छे से देख सकते हैं, हाँ, क्योंकि आइसोथर्मल के लिए V1/V2 की वैल्यू, V2/V1 की वैल्यू क्या होगी, P1/P2। तो क्या मैं इसके लिए ये भी फॉर्मूला लिख सकता हूँ, माइनस 2.303 एन आर टी लॉग P2/P1 लिख सकता हूँ ना, हाँ या ना, बिल्कुल। तो ये तो रहा हमारा आइसोथर्मल के लिए वर्डन का फॉर्मूला। दूसरा प्रोसेस आइसो वर्डन इन आइसोकोरिक, वर्डन इन आइसोकॉरिक, आइसोकॉरिक यानी हमारे लिए वॉल्यूम कांस्टेंट रहेगा पी वी, तो आप भी अब तो इतना तो आइडिया है कि आपके लिए डब्ल्यू कितना होगा, माइनस पी डी वी का इंटीग्रेशन, क्योंकि डी वी जीरो है आइसोकॉरिक के लिए, तो वर्डन भी कितना होगा, जीरो, वर्डन भी कितना होगा, जीरो। नेक्स्ट आइसो बारिक प्रोसेस, आइसो बारिक प्रोसेस, आइसो बारिक प्रोसेस की अगर हम बात करें तो हमें मालूम है प्रेशर कांस्टेंट रहेगा पी वी, हम यहां बोल सकते हैं आइसोबारिक के लिए वर्डन माइनस पी डी वी, क्योंकि पी कांस्टेंट है, बाहर ले लिया, डी वी का इंटीग्रेशन, और डी वी का इंटीग्रेशन V1 V2 क्या रहेगा आपके पास, पी डेल्टा वी, पी डेल्टा वी,
समझ में आ रहा है? अगर डेल्टा वी पॉजिटिव है तो वर्क डन नेगेटिव होगा, डेल्टा वी नेगेटिव है तो वर्क डन पॉजिटिव होगा। केमिस्ट्री में डेल्टा वी और वर्क डन अपोजिट साइन के होते हैं। तो हमने तीन प्रोसेस के लिए वर्क डन देख लिया। क्लियर है कॉन्सेप्ट्स? कोई दिक्कत नहीं है। आगे तीनों इंपॉर्टेंट फंक्शन हमारे हो गए। एक और हम बात करें, वर्क डन इन एडियाबेटिक। वर्क डन इन एडियाबेटिक, सही है। एडियाबेटिक के लिए क्या चीज कांस्टेंट है? पीवी गामा इक्वल टू कांस्टेंट। इज दैट क्लियर? तो पीवी गामा हमारे लिए कांस्टेंट है। आगे इसका कर्व आपको कैसा देखने को मिलेगा? आइसोथर्मल से भी ज्यादा तेजी से गिरता हुआ दिखेगा। और आप हमेशा की तरह लगा सकते हैं W इक्वल टू माइनस पी डी वी इंटीग्रेशन साइन। पी की जगह क्या लिखेंगे आप? के बाय वी की पावर गामा डी वी। इंटीग्रेशन करना आता है तो बताइए। के तो बाहर आ गया, वी की पावर गामा का इंटीग्रेशन क्या होगा? वी की पावर गामा ऊपर जाएगा माइनस गामा, तो वी की पावर माइनस गामा प्लस वन अपॉन माइनस गामा प्लस वन, और ये क्या हो जाएगा? वी वन वी टू। सही है, इसको वापस रख दिया, माइनस को अंदर ले गए। तो ये जो माइनस गामा प्लस वन है ये क्या हो जाएगा आपके लिए? गामा माइनस वन। क्या मैं सही हूं? गामा माइनस वन हो गया ये हमारे पास, और ये हमारे लिए हो जाएगा नीचे जाने पे के, ये के वी की पावर गामा, ठीक है ना? यहां हमारे पास आएगा के अपॉन वी की पावर गामा मल्टीप्लाई बाय वी। इज दैट क्लियर? तो कहीं ना कहीं, और ये वी वन वी टू, कहीं ना कहीं ये हमारे पास मैथ्स आ रही है। हमारे पास के की जगह हम क्या लिख सकते हैं? पीवी गामा अपॉन वी की पावर गामा मल्टीप्लाई बाय वी, और हमारे पास लिमिट क्या है? वी वन वी टू। तो ये हमने क्रॉस कर दिया, तो हमारे पास फाइनली क्या बचेगा फिर? वन अपॉन गामा माइनस वन, हमारे पास पीवी बचेगा, पीवी वी वन और ये वी टू, क्योंकि अब पी वन भी आ चुका है। तो हम इसको कैसे लिखेंगे? पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन अपॉन गामा माइनस वन। ये हमारा वर्क डन रहेगा फाइनली, किसके लिए? एडियाबेटिक के लिए। लिख लीजिए, फिलहाल तो हमें फॉर्मूले याद रहने चाहिए, वहां पर इतना ज्यादा कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। तो ये हमने कुछ अलग अलग प्रोसेस के लिए वर्डन निकाले हैं। कौन से नंबर का प्रोसेस था ये? फोर्थ, फिफ्थ वर्क डन इन फ्री एक्सपांशंस। फ्री एक्सपांशन, फ्री एक्सपांशन का मतलब है एक्सपांशन, एक्सपांशन इन वैक्यूम। यहां हमारे लिए पी एक्सटर्नल कितना होगा? जीरो। यहां हम बोल सकते हैं पी एक्सटर्नल जीरो। और जब भी एक्सपांशन होता है हम प्रेशर कौन सा लेते हैं, एक्सटर्नल या इंटरनल? एक्सटर्नल, एक्सटर्नल। तो वर्डन जो हमारे पास होगा वो होगा माइनस पी डी वी, और यहां एक्सटर्नल आएगा और जो कि जीरो है, तो जीरो ही वैल्यू रह जाएगी। यानी अगर आप, ये आपके पास पिस्टन है, यहां पर एयर है, और आप इसको स्पेस में ले गए जहां पी एक्सटर्नल जीरो है,
तो आपका वर्क डन कितना होगा? जीरो। ये इस तरह से कह सकते हैं केस फर्स्ट। केस सेकंड ऐसा भी बना सकते हैं आप, ये पिस्टन है, यहां प्रेशर जीरो है, यहां प्रेशर कोई भी प्रेशर दे दिया 1 atm है, अभी ये लॉक्ड है, ठीक है। तो जैसे ही ये लॉक हटाया, रिमूव करा, रिमूव लॉक, ये कहां पहुंच जाएगा? पूरा पिस्टन लास्ट पे पहुंच जाएगा। तो बताइए इस जगह मान लीजिए वॉल्यूम कितना है, 1 liter, और इस तरफ भी 1 liter है, तो बताइए वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 2 liter हो जाएगा। प्रेशर कितना हो जाएगा? 1/2 atm। लेकिन वर्क डन कितना होगा इसमें? जीरो, क्योंकि वर्क डन हुआ ही नहीं। वर्क डन हमेशा किसी के अगेंस्ट में होता है, तो फ्री एक्सपांशन में वर्क डन कितना होता है? जीरो। तो इस पूरे प्रोसेस में W की वैल्यू जीरो है। बाकी छोटी मोटी पॉइंट्स हम लिखते रहेंगे। तो ये तो हुआ हमारे 5 अलग अलग प्रोसेस के लिए वर्डन, लिखें इसको। इसमें कोई ऐसी चीज जो दोबारा समझानी है? एक बार और समझाना है कुछ? आ गया। तो अगला हमारे लिए आर्टिकल रहेगा वर्डन इन पॉलीटॉपिक प्रोसेस। वर्डन इन पॉलीटॉपिक प्रोसेस 6, वर्क डन इन पॉलीटॉपिक प्रोसेस। वर्डन इन पॉलीटॉपिक प्रोसेस कोई भी ऐसा प्रोसेस जिसमें जैसे पी प्रोपोर्शनल वी दे दिया, ये हो गया, ठीक है ना। और कोई लिमिट दे दी आपको यहां से यहां जाने पर, यहां 1 atm है और यहां 2 atm है, यहां 1 liter है और यहां आपको दे रखा है 2 liter है, और ए से बी में जा रहे हो आप, बताओ इसमें वर्डन कितना होगा? ये पॉलीटॉपिक हो गया, यस और नो इसका? हाँ बताएं बेटा। तो आपके लिए एक तरह से क्या है, पी प्रोपोर्शनल वी जा रहा है, तो आप बहुत आसानी से बोल सकते हो पॉलीटॉपिक के लिए वर्डन कितना होगा? -PdV, सही है। अब हम इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, एरिया अंडरलाइन, जो भी लाइन के अंडर एरिया है वो हमारे लिए वर्डन हो जाएगा। तो एक तरह से देखा जाए तो मैं ये मान लेता हूं ये सारा एरिया हमारे लिए पीडीवी का ही काम करता है, सही है। तो हम इस जगह एरिया लिखेंगे, लेकिन आगे हम कौन सा साइन लगाएंगे ये बोलना थोड़ा सा मुश्किल है। तो डीवी यहां पर क्या है? पॉजिटिव। तो डीवी पॉजिटिव तो वर्डन क्या होगा? नेगेटिव। तो ये हमारे लिए हो जाएगा वर्डन, एरिया अंडर द लाइन, सिंगल लाइन के लिए एरिया अंडर द लाइन, ठीक है। अब एरिया निकालना है हमारे को, एरिया कैसे निकालेंगे इसको? ये हमारे लिए 1, ये हमारे लिए 1, तो 1 × 1 प्लस ये हमारे लिए कितना है 1, और ये भी 1 प्लस 1 × 1 × 1/2। तो क्या हुआ ये आपके पास? यूनिट क्या रहेगी? एटीएम लीटर। और अगर आपको जूल में चेंज करना है 101.3 जूल, बाकी आपके हाथ में, कर लेंगे आप। इज दैट क्लियर?
ये आपके पास रहेगा एरिया अंडर द कर्व के लिए। अगला पॉइंट, सेवेंथ, एरिया अंडर द साइकिल, साइक्लिक प्रोसेस के लिए। लेकिन उससे पहले एक और हम करते हैं एग्जाम्पल। ये प्रोसेस है, इसके लिए आपको एरिया वर्डन निकालना है। सभी स्टूडेंट निकालें इसके लिए। पी यहां दे रखा है 4, 2, 1, यहां दे रखा है, ये सब एटीएम में है। यहां दे रखा है आपको 1 लीटर, 2 लीटर, 3 लीटर, 4 लीटर। तो यहां आपके लिए वर्डन बताना है कि आप ए से बी गए, बी से सी गए, सी से डी गए, डी से ई गए, ई से एफ गए। तो वर्डन ए बी सी डी ई एफ, 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, 3, 4, 5 प्रोसेस आपके पास हो गए। तो वर्डन आप कैसे बताओगे ये वैल्यू? एरिया निकाल कर एड निकाल कर देंगे। तो एरिया निकालना शुरू करें। ये कितना है? 1, तो ये है 1 मल्टीप्लाई बाय 4 या 4 मल्टीप्लाई बाय 1, प्लस ये कितना है? 0, क्योंकि यहां आइसोकोरिक प्रोसेस है, आइसोकोरिक में 0 होगा। फिर यहां पर 1 मल्टीप्लाई बाय 2 या 2 मल्टीप्लाई बाय 1, प्लस फिर 0, प्लस 1 इंटू 1, और यहां माइनस लगेगा क्योंकि फाइनल वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो जब भी डेल्टा वी पॉजिटिव होगा, वर्डन नेगेटिव होगा। तो 4 और 2 6 और 1 7, 7 एटीएम लीटर आएगा, या -707 जूल आएगा। या फिर आपका आंसर आएगा -0.7 किलो जूल। समझ में आ रहा है? तो किस यूनिट में दिया है ध्यान रखना। वहां आपने तो 7 निकाल दिया, लेकिन वहां 0.7 किलो जूल दिया हुआ था। तो यूनिट का विशेष ध्यान दीजिएगा, किस यूनिट में आंसर दिए हुए हैं और आपने किस यूनिट में निकाले हैं। तो यहां तक समझ में आ गया अच्छे से? तो ये सब लिखे आप, हेडिंग डलेगा वर्डन इन साइक्लिक प्रोसेस। वर्डन इन साइक्लिक प्रोसेस, वर्क डन इन साइक्लिक प्रोसेस। यानी हम एक साइकिल को देख रहे हैं जिसके अंदर इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम है। ये इस तरह से है। तो देखिए, कोई इक्वेशन तो है नहीं साइक्लिक प्रोसेस की। आपके लिए क्या होगा? इसमें भी वर्क होगा, इसमें भी होगा, इसमें भी होगा। तो नेटवर्क जो होगा वो ये होगा, एरिया अंडर कवर्ड बाय साइकिल। ठीक है, एरिया कवर्ड बाय साइकिल। तो इस जगह वर्डन का एक ही फॉर्मूला होगा, एरिया कवर्ड बाय साइकिल, और यहां प्लस माइनस। क्लॉकवाइज के लिए नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज के लिए पॉजिटिव। केमिस्ट्री है, पीवी कर्व में, पीवी कर्व ही पूछे जाते हैं आपसे। वीपी पूछे जाएंगे तो उल्टा हो जाएगा। ठीक है,
तो अब अगर आपको यहाँ पर मेंशन दे दिया जाए, फाइंड वर्डन एग्जाम्पल के साथ, तो आप कैसे करोगे देखते हैं। ये पॉइंट दिए गए हैं आपको ए बी सी, पॉइंट आप करते जाओ। फर्स्ट है ये तो 4 ATM, 2 ATM, पी ATM में ही है यहाँ पर। जब भी मेरा ATM में होगा, वॉल्यूम हमेशा लीटर में होगा, 2 लीटर, 4 लीटर। एग्जाम्पल सेकेंड, पीवी 6 ATM, 4 ATM, 2 लीटर, 4 लीटर। वॉल्यूम लीटर में रहेगा। ये हमारे लिए एग्जाम्पल्स रहेगा। इसमें फर्स्ट सेकंड दोनों को सॉल्व करना बहुत आसान है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, थर्ड। टू ATM, 1 ATM, प्रेशर ATM में है, वॉल्यूम लीटर में है, 1 2। एरो हमारे को बनाना है, लेकिन इस बार एरो मैंने ऐसा दिया एंटी क्लॉकवाइज। इससे पहले वाले आप देख रहे हैं क्लॉकवाइज से। फोर्थ एक और एग्जांपल, ये पीवी कर्व मैंने लिया है, अजीब सा है ना। चलो करेंगे वर्क, सही है। तो सबसे पहले सॉल्व करते हैं एक एक करके। फर्स्ट आपको मालूम है ये ट्रायंगल है, बीच में से लाइन बना लीजिए तो दोनों पार्ट इक्वल हो जाएंगे और हम 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो हाफ इंटू 2 इंटू ये हमारे लिए कितना रहेगा, 1 नहीं 2, और ये रहेगा हमारे लिए 1। पूरा नहीं निकाल रहे क्यों, क्योंकि अपन ने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हाफ इंटू 2। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, आप वैसे कर लो। तो हमारे लिए एक तरह से क्या हो जाएगा, हाफ इंटू 2 जो आपने लिया है, फिर ऐड करने की जरूरत नहीं है। चलिए अगर ये आधा होता तो कितना होता, सिर्फ हाफ होता तो हाफ इंटू, ये आपको आधा दिख रहा है, ये एक है भाई, एक और ये 2, तो 1 और 2, ठीक है। फिर उतना ही उससे भी होता तो इंटू 2, ये वर्डन होता हमारे लिए, और माइनस तो ये कट जाता तो -2 ATM लीटर। फिर जिस यूनिट में देते हम कर लेते सॉल्यूशंस 2। सॉल्यूशंस सेकंड के लिए अगर हम कर रहे हैं तो हमारे लिए ये वाली माइनस तो लगा ही दें हम, ये हमारे लिए क्या होगा,
डिफरेंस कितना है, स्क्वायर है 2 × 2 -4 एटीएम लीटर। थर्ड डब्ल्यू एंटी क्लॉकवाइज है, पहली बार प्लस और एक इस बिल्कुल सर्कल दिख रहा है पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितनी है, हाफ या वन, हाफ तो पाई बाय 4 एटीएम लीटर। पहली बार पॉजिटिव वर्क दिख रहा है हमें क्वेश्चंस में। सॉल्यूशन 4 सही है। यहां देखिए नहीं दिया है लेकिन जितनी हाइट ऊपर है उतनी है। ये वाली साइकिल कैसी दिख रही है आपको, जल्दी से बोलो, क्लॉकवाइज। और ये वाली कैसी दिख रही है आपको, एंटी क्लॉकवाइज। तो एक क्लॉकवाइज है एक एंटी क्लॉकवाइज है, एक क्लॉकवाइज है एक एंटी क्लॉकवाइज है, कोई दिक्कत नहीं है हमारे लिए। तो अगर एक से ज्यादा साइकिल भी आ रही है तो हम मान लेंगे ये ऐसा हुआ है और एक बार ये हुआ है वर्क, एक बार ये हुआ है, उससे कोई फर्क नहीं है कि उसने पूरा ये कवर करके इधर आया। ठीक है, हम किसी को भी ऐसे भी निकाल सकते हैं, मतलब हम गलत नहीं है। तो हमारे लिए क्या होगा, पहला नेट डब्ल्यू नेट कितना हो जाएगा, इसलिए 0, इसलिए मैंने डाटा नहीं दिया यहाँ। डब्ल्यू नेट कितना हो जाएगा, 0 बस। तो अगर आपको ऐसे कितने ही एग्जाम्पल मिल सकते हैं जहां दो या दो से ज्यादा साइकिलें दें, नेट साइकिल का एरिया कितना आ जाए, 0, तो डाटा देने की जरूरत नहीं पड़ रही है। ठीक है ना, तो ये आपके लिए क्लियर हो गया। लेकिन आपको लग रहा है ऐसा एक दो एग्जाम्पल और बताया जाए जिसमें वर्डन 0 आ जाए, हाँ मैं बताऊंगा। देखो हमने 4 एग्जाम्पल तो कर ही लिए, उसी में पांचवा ये मानते हुए कि ये सारे डाटा सेम है। ये देखिए क्या यहां पर भी वर्डन 0 होगा, हाँ, एक क्लॉकवाइज देंगे एक एंटी क्लॉकवाइज, तो W कितना होगा, 0। कुल मिला के अच्छा सा 8 मनाना हमें। यहां पर भी हमारे लिए क्या होगा, 0। ये अजीब सा है प्रोसेस, यानी ये दो प्रोसेस है इस तरह से, लेकिन इसको बताना बहुत मुश्किल होगा। कहने का मतलब ये है, ये इस तरफ गया, इस तरफ गया, इस तरफ गया और फिर यहां आ गया। तो आप बताइए ये वाली साइकिल कैसी है, एंटी क्लॉकवाइज, और ये साइकिल ही कहाँ है। सही कह रहे हैं आप, कोई और अच्छी सी साइकिल हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं। जीरो सही है। तो साइकिल नीचे हो या ऊपर हो, क्योंकि एरिया अंडर द कवर तो बराबर है, बस अंतर यह है कि एक क्लॉकवाइज है और एक एंटी क्लॉकवाइज है। तो नेट वर्क डन कितना आएगा, 0। तो ये सारे एग्जाम्पल हमारे बहुत आसान है, लिख सकते हैं आप, लिखें इसको। हमने वर्क डन करा है उसी से रिलेटेड एक पॉइंट और, एग्जाम्पल गिव्स द साइन ऑफ वर्क इन फॉलोइंग प्रोसेस, इन द फॉलोइंग प्रोसेस प्रोसेस फर्स्ट अगर H2O लिक्विड से H2O आइस बन रहा है, दूसरा
कार्बन ग्रेफाइट्स से कार्बन डायमंड बन रहा है। तीसरा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, इसको हीटिंग करने पे CaO+CO2 बन रहा है। चौथा, बहुत सारे एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, अमोनियम क्लोराइड डिकम्पोज हो रहा है NH3+HCl। ये गैस है, ये गैस है, और ये हमारे लिए सॉलिड है। तो बताइए इसके लिए डेल्टा वी क्या होगा? आपके आंसर अपने आप ही निकल जाएंगे वर्डन के लिए। फर्स्ट, डेल्टा वी यानी कि V2-V1, क्या लग रहा है? आइस का वॉल्यूम ज्यादा होता है वाटर से, बिल्कुल 0 डिग्री सेंटीग्रेड हमने ले रखा है, तो आइस थोड़ा बड़ा होता है, एक्सपांशन होता है, तो वॉल्यूम बढ़ रहा है ना कि कम हो रहा है। तो डेल्टा वी यहां पर क्या है जल्दी से बताओ? पॉजिटिव, एक्सपांशन हुआ। डेल्टा वी पॉजिटिव है तो वर्डन क्या हो जाएगा इस जगह? नेगेटिव। पहला, छोटी छोटी गलतियां हैं, बच के चलना। ग्रेफाइट और डायमंड में डायमंड की डेंसिटी ज्यादा है, डेंसिटी ऑफ डायमंड इज हाई देन डेंसिटी ऑफ ग्रेफाइट। सही है। तो जब डेंसिटी ज्यादा ज्यादा डेंस है तो इसके लिए डेल्टा वी क्या होगा? नेगेटिव, क्योंकि वॉल्यूम कम हुआ है, तभी तो डेंसिटी बढ़ी है। डेल्टा वी नेगेटिव है तो वर्डन क्या होगा इसके लिए? पॉजिटिव। नेक्स्ट, थर्ड, सीधा सीधा दिख रहा है गैस बन रही है भाई, बाकी तो सब सॉलिड है, तो डेल्टा वी यहां पर क्या है? पॉजिटिव, तो वर्डन क्या होगा यहां पर? नेगेटिव। फोर्थ, डेल्टा वी दिख ही रहा है, दो दो गैसेस बन रही है, डेल्टा वी पॉजिटिव, वर्डन क्या हो जाएगा हमारे लिए? नेगेटिव। तो ये रहा हमारा साइन का, वॉल्यूम के अकॉर्डिंग हम कैसे दे सकते हैं, किस प्रोसेस में क्या है, इसको लिखें जल्दी से। देखो ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं आपको, और इसके अंदर आपको दिया गया है 2 मोल्स ऑफ आइडियल गैस, और वर्क डन निकालना है कंप्लीट साइकिल के लिए। ठीक है, कुछ चीजें हैं जो आपको दी गई है, सबसे पहले ए से बी जाएं आप, ठीक है, पक्का? कैसा प्रोसेस है? वी टी, आइसोबारिक आइसोकोरिक, डब्ल्यू ए से बी, आइसो बारिक, क्यों? क्योंकि लग ही रहा है पी वी प्रोपोर्शनल टी, तो आइसो बारिक। आइसो बारिक के लिए वर्डन क्या होता है? माइनस पी डेल्टा वी, या मैं पी की जगह क्या लिख सकता हूं? पी की जगह एन आर, पी की जगह एन आर बाय, तो एन आर डेल्टा टी हो सकता है। अब आपको ये समझ में नहीं आया होगा क्यों, क्योंकि मैं ये बोल रहा हूं पी डेल्टा वी की जगह क्या होगा? माइनस पी वी टू माइनस वी वन, तो वी टू माइनस पी वी का वैल्यू क्या हो जाएगी? एन आर टी टू एन आर टी वन, तो एन आर डेल्टा टी, तो माइनस एन की वैल्यू टू, आर की वैल्यू आर ही रहने दो, आर की टर्म में छोड़ दो आप, तो डेल्टा टी यहां 300 केल्विन है, यहां वॉल्यूम डबल हुआ वी बी बाय वी ए, तो टेम्परेचर डबल हो जाएगा, तो 600 हो गया, तो डेल्टा टी कितना हो जाएगा? 300, तो -600 आर, वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो इसका मतलब डेल्टा वी पॉजिटिव है, और आपके लिए वर्डन इतना होगा। आर अगर आप जूल में रखोगे तो जूल में, कैलोरी में रखोगे कैलोरी में। ये तो हो गया आपका आइसोबारिक ए से बी के लिए, बहुत इजी है। फिर नेक्स्ट, डब्ल्यू बी सी, क्या लग रहा है? आइसोथर्मल, सीधा सीधा बोल रहा है आइसोथर्मल। आइसोथर्मल में क्या होता है? -2.303 एन आर लॉग वी टू बाय वी वन,
तो माइनस 2.303 एन की वैल्यू 2 मोल, आर की वैल्यू आर लॉग वी टू बाय वी वन, वी सी बाय वी बी, तो ये एक तरह से कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। इन दोनों यूज कर सकते हो आप, तो ये कितना आ जाएगा 2। तो माइनस 2.303 टू लॉग 2 की वैल्यू 0.3010 आर। थोड़ी सी कैलकुलेशन है, कर लीजिएगा। फिर डब्ल्यू सी डी कैसा है, ये तो आइसोबारिक आइसोथर्मल था, ये कौन सा है, आइसोकोरिक, जीरो, आइसोकोरिक सुनती जीरो। फिर हम बात कर रहे हैं डब्ल्यू डी से ए, कौन सा ये आइसोथर्मल, माइनस 2.303 जो बोल दिया वो करो, क्योंकि हमेशा फॉर्मूला तो यही होता है, माइनस 2.303 एन आर लॉग वी टू बाय वी वन, तो यहां हो जाएगा माइनस 2.303 एन आर और लॉग वी टू बाय वी वन, यहां पर क्या होगा 1/4 होगा, तो आपके पास हो जाएगा एन आर, आर की वैल्यू तो खैर 2 है, तो माइनस 2.303 2 और आर और लॉग 4 की वैल्यू क्या होगी आपके पास, तो बिल्कुल सही है, 2 मल्टीप्लाई बाय 0.3010 और ये माइनस किस में हो जाएगा, प्लस, सही है। तो ये आपके वर्डन हो जाएगा आर की टर्म में। आपके पास बहुत सारे डाटास आ गए, इसको इसको दो और एक इसको, तीनों को ऐड कर दो, आपका आंसर आ जाएगा W। कर सकते हो, W नेट कितना हो जाएगा, W ए बी प्लस W बी सी प्लस W सी डी W डी ए। तो आप इन सबको ऐड कर रहे हैं एक बार, माइनस 600 आर प्लस माइनस 2.303 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 0.3010 आर प्लस, कोई बात नहीं, दो बार लिखने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 2.303 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय आर मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 0.3010, यह आपका आंसर आएगा नेट, सही है। लिखें इसको, कर चुके हैं कि हमारे पास ये पिस्टन सिलेंडर सिस्टम है और यहां गैस है। आप जब इसको बाहर से गर्म दे रहे हैं, हीट दे रहे हैं, यहां अंदर प्रेशर बढ़ेगा, ये इस पे प्रेशर लगाएगा, इंटरनल प्रेशर आउटर प्रेशर से ज़्यादा होगा, ये पिस्टन मूव करेगा ऊपर की तरफ जाएगा, तो कहीं ना कहीं हमें इस तरफ वर्क मिलेगा, ये हम पढ़ चुके हैं, ठीक है। वर्क हमारे को इस लेयर पे मिलेगा, हमेशा बाउंड्री पे ही मिलता है, इस जगह ये बाउंड्री एक्सपांड होने की कोशिश कर रही है, जिसकी वजह से आपको यहाँ पर वर्क देखने को मिल रहा है, ठीक है। और ये वर्क कोई भी प्रोसेस हो, थर्मोडाइनमिक्स के लिए वर्क की वैल्यू क्या होगी, माइनस पी डी वी इंटीग्रेशन, ये हम कर चुके थे लास्ट क्लास में, सही है। अब यहां हमने क्लासिफिकेशन किया है, क्या किया है कि अगर आपका आइसोथर्मल है या आइसोबारिक है या आइसोकोरिक है या एडियाबेटिक है, कोई भी प्रोसेस हो उसके लिए अलग अलग वर्डन होता है, या सुनो। तो चलिए मैं आप ही के साथ हूं और आपकी मदद लेना चाह रहा हूं इस जगह, कि अगर आपके पास वर्डन की वैल्यू माइनस पी डी वी इंटीग्रेशन में है, तो एक छोटा सा चार्ट आप मेरे साथ बनाएंगे, आइसोथर्मल के लिए यानी टेम्परेचर कांस्टेंट होगा तब वर्डन, आपने पी की जगह क्या लिखा था, एनआरटी बाय वी, तो आपके पास वर्डन कितना आया था, माइनस 2.303 एन आर टी लॉग वी टू अपॉन वी वन था ना,
यानी वी फाइनल अपॉन वी इनिशियल। अगर आपके पास प्रेशर कांस्टेंट है तो वर्डन आपके पास था माइनस पी डेल्टा वी, ये आपके पास वर्डन का फॉर्मूला था। और अगर आपके पास एडिया आइसोकोरिक है, आइसोकोरिक, तो वर्डन कितना था? जीरो, क्योंकि डेल्टा वी जीरो है आइसोकोरिक के लिए। और अगर आपके पास फ्री एक्सपांशन है, फ्री एक्सपांशन का मतलब है एक्सटर्नल प्रेशर जीरो, तब भी आपके पास वर्डन कितना है? जीरो। तो दो केसेस में आपके वर्डन जीरो मिल रहा था, या तो आइसोकोरिक या फिर फ्री एक्सपांशन, यानी या तो पी जीरो है या डीवी जीरो है, सही है। इसके अलावा अगर आपके पास एडियाबेटिक प्रोसेस है, एडियाबेटिक प्रोसेस, एडियाबेटिक प्रोसेस के लिए आपके पास पीवी गामा की वैल्यू क्या दे रखी है? कांस्टेंट। और जब पीवी गामा की कांस्टेंट वैल्यू है तो आपको अच्छे से मालूम है आपने क्या लिखा था, पी टू वी टू माइनस पी वन वी वन अपॉन वन माइनस गामा, ये आपके पास वर्डन था, सही है। और अगर आपके पास प्रोसेस पॉलीट्रॉपिक है, पॉलीट्रॉपिक कुछ भी इस तरह का हो सकता है, ए से बी आप जा रहे हैं किसी भी लाइन के थ्रू, तो जब आप ए से बी की तरफ जा रहे हैं तो एरिया अंडर द कर्व होगा, जिसका कोई नाम नहीं होता वो पॉलीट्रॉपिक होता है, और वहां आपके लिए वर्डन क्या होगा? वर्क, एरिया अंडर द कर्व होता है, एरिया अंडर कर्व। यहां प्लस माइनस क्या होगा ये मैंने आपको बता रखा था, डेल्टा वी अगर पॉजिटिव है तो वर्डन नेगेटिव, डेल्टा वी नेगेटिव है तो वर्डन पॉजिटिव। और अगर आपके पास प्रोसेस साइक्लिक है तो वर्क की वैल्यू आपके पास प्लस माइनस एरिया कवर बाय साइकिल, इनमें आपका जितना अच्छा कमांड हो उतना ही अच्छी बात है। तो वर्क डन आपको अच्छे से समझ में आना चाहिए कि हमारे लिए ये सारे वर्क डन होते हैं, सही है। और हर एक से रिलेटेड आपको कोई ना कोई प्रैक्टिस करनी चाहिए। कोई डाउट नहीं है? चलो ठीक है, तो प्रैक्टिस एक एक पॉइंट पे सब हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। क्या आपको ये समझ में आ गया वर्डन? यहां पर क्लॉकवाइज साइकिल के लिए नेगेटिव और एंटी क्लॉकवाइज पॉजिटिव रहेगा वर्डन, सही है। तो ये एक बेसिक इंफॉर्मेशन चार्ट हो गया जो भी आपने वर्डन के लिए पढ़ा है अभी तक मुझसे। आगे हम बात कर रहे हैं।